हम हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते। मासी आप ये क्या करेंगे? जो गलती हमने की नहीं उसकी माफी मांग रहे। मासी आप नाराज हो गए अपने मले से? नहीं, हमें सच में घर छोड़ के ना जाना पड़े। प्लीज मलय रोको हमें। मासी रुकिए प्लीज। मासी रुक जाइए प्लीज। क्यों और बेइज्जत करना है? मैं अपनी रानी साहिबा की बेइज्जती कैसे कर सकता हूं? मासी मैंने वो सवाल आपसे यूं ही पूछ लिया था। मासी आप जानती हैं कि आप मेरे दिल के कितने करीब हैं। याद है जब बचपन में माँ मुझे पेस्ट्रीज नहीं खाने देती थी तब आप खुद मेरे लिए पेस्ट्रीज लेकर आती थी। और जब मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती थी आप रात भर लाइट्स ऑन करके मुझे सुलाती थी भले आपको खुद नींद ना आए। और जब मोहल्ले वाले बच्चे मुझे बैटिंग नहीं करने देते थे तो आप मेरे लिए बॉलिंग करती थी। जिस मासी ने मेरे लिए इतना कुछ किया मैं उसे हर्ट करने का सोच भी कैसे सकता हूं? मासी वो सवाल मैंने आपसे आपको अपना समझकर पूछा था, आपको हर्ट करने के इरादे से नहीं। मासी आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना बुरा लगा। बट प्लीज प्लीज अपने मले को छोड़कर मत जाइए प्लीज। मना लिए ना अपनी मासी को। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। थैंक यू मासी। कहीं नहीं जाएंगे तुम छोड़कर। और मैं जानता हूं मेरी मासी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ये मंदिरा की चालाकी किसी को नजर क्यों नहीं आती? जितनी जल्दी तुम मलय को बिस्तर तक लाओगे उतनी जल्दी तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिलेगी। रात के ठीक 1 बजे तक हम अपने जवाब का इंतजार करेंगे। जब भी मैं परेशान होती थी तो मामुनी हमेशा मुझे रास्ता दिखाती थी। और आज वो क्या करूँगा? मेरी ओपू दुनिया की सबसे प्यारी लड़की जो है अप्पू, जिस माँ ने माँ ना होते हुए भी तुम्हें पाला, तुम्हें अपनी बच्ची से भी ज्यादा प्यार दिया, आज उसे बचाने के लिए तुम्हें इतना सोचना क्यों पड़ रहा है अप्पू? जाओ और जाकर अपनी बेटी होने का फर्ज निभाओ। ये क्या करने जा रही हो तुम अप्पू? अपने प्यार को मार सकोगी? जिस मले ने तुम्हें जीना सिखाया, जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, जिस मलय की वजह से तुम्हें तुम्हारी माँ को खोया हुआ मान सम्मान, खोई हुई इज्जत वापस मिली। महामित्तल इंडस्ट्रीज के 51% शेयर्स कल्पना घोष के नाम पर, कल्पना घोष के नाम पर। उसी मलय को मारने चली हो तुम। माना माँ की जान खतरे में, पर इसमें बेचारी मलय की क्या गलती? अरे वाह, वक्त की पाबंद हो तुम। वेरी नाइस। बताओ क्या है तुम्हारा फैसला? मेरी मामूनी ने मुझे 18 साल तक एक कमरे में बंद रखा है मंदिरा, ताकि मैं कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा सकूं। मेरी शक्तियों की भनक तक नहीं लगने दी उन्होंने मुझे। इस्तेमाल करना तो दूर की बात, माना कि वो अपने साथ हुए हर गुनाह का बदला लेना चाहती थी, पर उन्होंने कभी मुझे किसी निर्दोष की जान लेना नहीं सिखाया। माना कि मेरे अंदर विष है, पर तुम्हारी और लैला जैसी बुराई नहीं भरी है मेरे अंदर। मेरे विष कन्या होने के बावजूद मेरी माँ ने मुझे इंसानियत की परवरिश दी। मलय ने मुझे प्यार करना सिखाया और वरदान ने मेरे लिए अपनी जान देकर मुझे अच्छाई सिखाई। और मंदिरा, मैं इन सब का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। तो इसका मतलब तुम हमें इनकार कर रही हो? हाँ। मलय मेरा प्यार है मंदिरा। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं अपनी मामूनी की परवरिश को शर्मिंदा करूंगी, वरदान से अपनी दोस्ती को शर्मिंदा करूंगी। और तुम्हें पता है क्या, अगर आज मलय की जगह कोई और भी होता तो मेरा जवाब यही होता। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की जान की कीमत कुछ नहीं है क्या? बस यही है? कैसी बेटी हो तुम? कोई मोह नहीं है तुम्हें अपनी माँ के लिए? कीमत? मेरी माँ मेरे लिए क्या है ये मेरा भगवान जानता है मंदिरा, और ये मेरी माँ की ही दी हुई सीख है। और इसीलिए मंदिरा, मैं मलय के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम चाहती हो। और तुम्हें अपना बच्चा देकर उस मासूम की जान खतरे में डालना, ये तो सबसे बड़ा गुनाह होगा। तो कान खोलकर सुन लो, काले सारे, ये विष कन्या तुमसे नहीं डरती। तुम्हारा कालापन मुझे नहीं डराता मंदिरा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपको बचा नहीं सकी। I'm sorry। जो लड़की हमसे डरती ही नहीं, उससे हम हमारी बात कैसे मनवाए? यहाँ आकर अच्छाई बुराई का लेक्चर दे गई वो, पर हारना हमें आता कहाँ है? अगर अप्पू हमारी बात नहीं मानती तो हम अपना काम मलय से निकलवा लेंगे। हाँ, मलय के करीब आते ही वो कमजोर पड़ जाएगी। अगले 24 घंटे में मलय अप्पू को मजबूर करेगा अपने साथ सोने के लिए, और उसका ये अच्छाई का पाठ धरा का धरा ही रह जाएगा। और उसके बाद ना ही तुम्हारा ये प्यार जिंदा रहेगा, ना ही तुम्हारी माँ, और ना ही तुम्हारी ये अच्छाई। ये खेल हमारा है, इसके सारे नियम हमने बनाए, और इसे जीतेंगे भी हम ही, सिर्फ हम। I'm sorry, वो मैं शॉल। आठ बज गए, मैं अभी तक सो रही थी। मैं बस अभी ब्रेकफास्ट रेडी कर देती। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? छुपाना नहीं चाहती मैंने, पर बिना प्रूफ के तुम्हें बताऊं भी क्या? मंदिरा के लिए तुम्हारा प्यार मेरी बातों से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। तो कोई बात नहीं अमन। Don't worry अपू, काकी को कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। I promise। तुम्हारे लिए क्या बनाया है? आओ मलय, देखो। वाव। हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है। हम नहीं चाहते थे कि मलय की रानी साहिबा के होते हुए वो अपनी माँ को मिस करे। अब ये कौन सी नई चाल चल रही है मंदिरा? खाओ। वेलकम। खीर तो मैं भी खाऊंगा। सच्ची खाना बेटा, खा ले। नहीं, I'm sorry अभी। वो क्या है ना, हमने बस इतनी सी खीर सिर्फ मलय के लिए बनाई है अपने हाथों से। उसकी फेवरेट खीर है ना, उसने बहुत दिनों से मेरे हाथ की खीर खाई नहीं। इफ यू डोंट माइंड, ये सिर्फ मलय को खाने दो। तुम पूरी खा लो, पैटीज खा लो। You don't mind ना अभी? मंदिरा ने इस खीर में जरूर कुछ मिलाया है, मलय को अपने बस में करने के लिए। मलय, खाओ खीर। इस खीर को खाते ही मलय अपने काबू में नहीं रह पाएगा। अब देखते हैं अपू तुम्हें मलय से कौन बचाता है। मुझे मलय को रोकना होगा। क्या हुआ? Are you okay? हाँ बेटी क्या? सॉरी मासी, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। पता नहीं समझती क्या अपने आप को, इसकी अकड़ जाएगी कब, इसको तुम्हें देख। कल मुझ पे तुम्हारा जोर नहीं चला तो आज तुम मलय के पीछे पड़ गई। मैं तुमसे बात करके अपना कीमती वक्त वेस्ट नहीं करना चाहती अपू। तुम्हारी ये जो 2 पैसे की अकड़ है ना, ये तुम्हारी माँ की लाश देखने के बाद चली जाएगी। खोल देंगी बेटा? अभी नहीं, ये खोल दो ना, ये सोता लिखकर कुछ समझ में नहीं आला। अच्छा लाओ। नुमाए होता तो झूम करके देख लेती। बेटा मैं अभी आई ना। इसी वीडियो में कहीं कुछ लिखा देखा था, इसी से मुझे कुछ क्लू मिल सकता है कि उसने माँ को कहाँ रखा है। दुर्गापुर हॉस्पिटल, शायद मामू ने को यहीं रखा है उस मंदिरा में।